Sports Guy. मैं चर्चा की शुरुआत जैसे स्कूल से पाटिल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हम सब लोगों में आप सबसे वरिष्ठ और आप सबसे वरिष्ठ आप राजनीति भी समझते हैं और आप जुडिशरी को प्रैक्टिस किए हुए हैं तो इसलिए भी समझते हैं। ये जो कुछ भी हुआ हालांकि चूंकि वो कोर्ट का केस है, कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट के, मेरा अपना मानना यह है कि अगर कोर्ट का कोई केस है तो उसकी आप बिल्कुल उस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोर्ट के सारे केस को ये मान लिया जाए कि वो ब्रह्म वाक्य है तो इसका तो मतलब कोई रिव्यू फाइल ही नहीं हो सकता है, ऊपर की कोर्ट इस पर रिव्यू करेंगे। हाँ, कोर्ट की नियत पे कोई बात नहीं कही जा सकती है, वो ठीक है। जस्टिस कोर्ट से बात लिए पूरे उसमें दोनों पक्ष, उसका राजनीतिक पक्ष और उसका जो जुडिशरी वाला मतलब जो न्याय का पक्ष है, दोनों पे आपकी टिप्पणी समझना चाहते हैं। जस्टिस कोल से पाटिल, ऐसा है कि पहले हम मई 2014 के बाद जुडिशियरी का क्या हुआ इसकी थोड़ी सी झलक अब हम लोग समझ ले कि जिस जज के सामने अमित शाह की केस थी वो पहले था उपाध्याय, उसने एक कर्सिली ओपन कोर्ट में कहा कि शाह बंबई में आते हैं लेकिन कोर्ट में क्यों नहीं आते। बस जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थी कि शाह की केस में अमित शाह की केस जिस कोर्ट में शुरू होगी उसी कोर्ट में खत्म, तब तक कोई जज की तबादला नहीं होगा। इतना बोलने के बाद उपाध्याय की बदली हो गई और उसको पुनः भेज दिया, उनको पुनः भेज दिया। उसके बाद लोहिया का कहा क्या हुआ आप लोग सब लोग जानते हैं, हम देश जानता है। फिर तीसरे जज आए, वही कहानी। हम तो जुडिशरी को माता पिता समान ईश्वर समान कहते हैं क्योंकि हम एक्टिविस्ट हैं और हमारे खिलाफ भी कई केसेस चल रही है। तो जुडिशरी का आदर रखते हुए भी यहां कितने जजेस की ट्रांसफर हुई, और जब केस हियरिंग को आती थी तब बहाने बनाकर जो आगे कितने बार गई, ये एक थोड़ा संशोधन का मुद्दा है। अभी हम कानून पे आते हैं। दुनिया में डिफेमेशन के केस का लॉ नहीं है, कहीं भी नहीं है। और यहां भारत में डिफेमेशन दो प्रकार का होता है, एक क्रिमिनल और दूसरा सिविल। हमारे गुरु जस्टिस सावन ने ये रिपब्लिक वाला वो धारणा हो, इसने उनका गलत फोटो दिखा के करप्ट जज कहा था, सावंत ने उनको नोटिस दी, माना नहीं, तो सावंत ने सिविल सूट लगाया और 100 करोड़ की डिमांड की। कोर्ट ने 100 की 100 करोड़, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पर निर्भर होता है, प्रोबेबिलिटी पर निर्भर होता है। ठीक है भाई, जज का अपमान हुआ है, यानी किसी का भी अपमान हुआ, 100 करोड़। क्रिमिनल केस में टेस्ट अलग है, पर्सनल लिबर्टी का सवाल होता है। यदि किसी को आपको जेल में भेजना है तो आपको 100 बार सोचना है, एक दिन की भी लिबर्टी किसी की खत्म करते हैं हम लोग तो हमें पहले सोचना है कि वो एक दिन की लिबर्टी हम खत्म कर सकते हैं क्या, लीगल है क्या, लॉयर। अब यहां 2 साल की सजा है मैक्सिमम और 2 के 2 साल कर दी, क्योंकि 2 साल के किए बिना जो संघ वाले बोलते थे, बीजेपी वाले बोलते थे कि हम राहुल की सदस्यता खत्म करेंगे और देवर बेंट अपॉन, और कांग्रेस वालों को मालूम था कि ये डिसीजन क्या आने वाला है। यानी 2 साल की सजा, एक मैक्सिमम सजा देने के लिए ये केस नहीं है। पहली तो बात है कि केस ही नहीं है, ये क्रिमिनल केस हो ही नहीं सकती। जो मोदी ने लगाया, कोई मोदी है तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव सूट हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव क्रिमिनल केस नहीं कर सकते। तो ये रिप्रेजेंटेटिव क्रिमिनल केस हो गई और उसमें वो मोदी का क्या डिफेमेशन हुआ, जिसका नाम लिया, जिसने फाइल किया, उसका क्या डिफेमेशन हुआ। तो 499 के एक्सेप्शन भी देखो आप, डिफेमेशन के एक्सेप्शन है कि भाई इन पब्लिक गुड You can say
यू कैन क्रिटिसाइज, नहीं तो क्या होगा? आज तक क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हुआ, पंडित नेहरू पर क्रिटिसिज्म होता था, खुद उनके दामाद क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसिज्म तो डेमोक्रेसी के ये मूल ढांचा है, इसे क्या करते। क्रिटिकल भ्रष्टाचार की बात होती है, डिफेमेशन की बात, यानी डिफेमेटरी, तो मैंने खुद मनमोहन सिंह को अमेरिका का दलाल कहा था, तो उन्होंने, वो भी दूरदर्शन पर, तो किसी ने मेरे ऊपर कुछ कोशिश नहीं की कुछ करने की। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, वो भ्रष्टाचार हो या उनके कुछ निष्काम कि कुछ करते नहीं, ये वो बोलने का अधिकार है। और दिखता है ना, जब करोड़ों लोग रास्ते पर चल रहे थे और इन्होंने कुछ नहीं किया, उनको मरने दिया, चलने दिया, तो इसके बारे में बोले तो गुनाह होता है। तो इसीलिए एक तो मैं कहता हूं कि ये तो गैर कानूनी है, दूसरी बात है कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। मैं आपको बोला कई बार कि राहुल को मैं नजदीक से जानता हूं, 1-to-1 हमारी मीटिंग यात्रा में हुई, वो ऐसे सजा जेल मरने को बिल्कुल डरने वाला आदमी नहीं है, ही इज वेरी ब्रेव। उसको जब मैंने बोला कि तेरे ग्रैंडमा का क्या हुआ, पिताजी का क्या हुआ, तेरा भी क्या होने वाला है चलते समय, तो बोले ठीक है मैं मर जाऊंगा। यानी इतनी इनको गांधी नेहरू फैमिली से नफरत क्यों है? तो यही फैमिली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में उनका रोड़ा डालती है, ये इनका मुट्ठी भर लोगों का कहना है जी। तो इसीलिए देखो ये जो आप कल का आज का कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन अभी जज ने ऑर्डर दिया कि सेंटेंस सस्पेंड किया, कन्विक्शन नहीं सस्पेंड किया, तो कन्विक्शन सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो कल ही राहुल को हाउस से निकाल देंगे। तो पर्पस फर्स्ट है, सब जानते थे और सब बोलते थे कि राहुल को हम निकाल देंगे, राहुल की सजा यानी लोकसभा शायद निकाल देंगे। अभी वो लोकसभा के माध्यम से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उसके लिए मेरे ख्याल से 2/3 मेजोरिटी लगती है, और 2/3 मेजोरिटी और ये सब पॉलिटिकल शो करने के बजाय कोर्ट का जजमेंट ठीक है ना। अभी वो बोलेंगे कोर्ट का काम कोर्ट ने किया है, हमने क्या किया। लेकिन यदि कोर्ट कोर्ट का काम करता तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद नहीं कहते कि ट्रायल जजेस लोअर कोर्ट जजेस आर ट्रोल्ड एंड देयरफॉर हमारा काम बड़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि हम काम बहुत हमारे पर ज्यादा बोझ है क्योंकि लोअर कोर्ट्स आर बीइंग ट्रोल्ड एंड देयरफॉर दे वो जामीन नहीं दे रहे, जब जमानत नहीं दे रहे। तो यही जरिए यदि ट्रोलिंग है, यदि मैनेजमेंट है, यदि जो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, हम तो कोर्ट के खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन जो भी हुआ है, ये 2 साल की सजा और राहुल को लोकसभा से बाहर निकालना, ये इत्तिफाक नहीं हो सकता, ये इत्तिफाक नहीं है। और इसीलिए आज मैं सुबह से बोल रहा था कि ये अच्छा हुआ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो हम लोगों को कहते थे कि आप क्यों मर रहे हो, क्या जेल में जाने की, मैंने तो 47 की उम्र में कहा था कि मैं जेल और मरने को नहीं डरूंगा, तो ये आज तक चल रहा है। तो ये राहुल ने भी मुझे कहा कि मैं नहीं डरूंगा किसी को, जेल को नहीं डरूंगा, मरने को भी नहीं डरूंगा। तो अभी सब लोगों को, हम जहां बैठे ये भी, हमारी बारी है सोचने की कि भाई वो तो जा रहा है, हम हमारा क्या। अभी मैं जो बोल रहा हूं तो इतने इसको बोलते हैं कि केयरफुली एक एक लफ्ज निकाल रहा हूं क्योंकि कल कल हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन न हो, और ये यदि होता है तो अभी आपने देखा सिस्टम कैसी काम करती है। तो आज इसके राहुल की सजा के सबने सबक लेना चाहिए। अच्छा हुआ केजरीवाल भी बोले, ममता भी बोलेगी, सबको बोलना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो भी वोटिंग हुआ उसके 36% वोटिंग मोदी को हुआ, वोटिंग तो 100% होता नहीं, यानी कितने वोट से मोदी के। यदि ये सब साथ आते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी बच सकती है, और ये मौका है सभी को कि हम हमारी डेमोक्रेसी बचाएं।
जस्टिस पाटिल, आपसे भी एक चीज और फिर से मैं आ रहा हूं। एक तो हमारे एक दर्शक हैं, उनको अगर पहली नजर में आप उनके रिमार्क को देखिएगा तो लगेगा कि थोड़ा थोड़ा बदतमीजी का रिमार्क है, लेकिन वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सत्ता के नहीं परमात्मा के कुत्ते बनो, चुप मत रहो, भौंको। वो अगर मतलब मुझे इसमें कोई और वो बात मुझे उनकी ठीक लग रही भाई, हो सकता है उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा हो जो हमको ठीक लगे, लेकिन बहुत से लोगों का, मैंने कल परसों मैं किसी के साथ शो कर रहा था, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मैं इसलिए साथ नहीं देता हूं कि अगर व्यक्ति थाने में जाता है तो वो जो कांस्टेबल है या वो जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनको पैसा दे के उनको खरीदा जा सकता है, लेकिन कुत्ते को जब सुंघा दी जाती है नाक में तो वो जाके उस चोर को पकड़ के ही लाता है, वो इन सबसे नहीं होता है। तो ये किसी व्यक्ति ने कहा है, उसकी भाषा को हो सकता है कि हम लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन शायद ये भी जरूरी है जिस पाटिल की इस समय बोलना आवश्यक है, उसी संदर्भ में मैं कहूंगा कि किरण रिजिजू साहब जुडिशरी पे जिस ढंग से लगातार हमला कर रहे हैं, और जगदीप धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, संविधान को संभालने की शपथ ली है, वो जिस तरह से जुडिशरी पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए जस्टिस साहब जितनी भी खराब हो गई हो जुडिशरी, अभी भी आम आदमी का एक विश्वास है कि भाई कहीं ना कहीं कोर्ट में तो न्याय मिल ही जाएगा। मैं थोड़ा इस पे भी बात करना आपसे समझना चाहता हूँ जस्ट पाटिल। अभी अभी वकील साहब ने कहा ना, रंजन गोगोई ने क्या कहा जी, तो वो भ्रष्टाचार हमारा पार्ट ऑफ पार्सल हो गया है लाइफ का, ये उनका होगा। आज भी कई जजेस बिल्कुल निष्प्रो है, ऑनेस्ट है, और उनको किसी की परवाह नहीं, लेकिन आज माहौल क्या बना है कि हमारी सुनो नहीं तो मरो, हमारी सुनो तो प्रमोशन लो। ये माहौल जब जुडिशरी में हुआ है तो खुद चीफ जस्टिस बेचारे कहते हैं कि हमारे लोअर कोर्ट के जजेस ट्रोल हो रहे हैं, इसलिए वो बेल नहीं दे रहे हैं, वो ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं, और वो सब बोझ हम सुप्रीम कोर्ट को ढोना पड़ रहा है। तो एक बात वही है, दूसरी बात ऐसी है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या कौन ऑनेस्ट है, तो जहां से शुरू होता है प्रोसिक्यूटर है, वकील साहब जानते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये, तो सच्चा न्याय मिलना इतना मुश्किल है। और जजेस का इंटरप्रिटेशन देखो कभी कभी क्या होता है, हिंदुत्व के जजमेंट, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया इलेक्शन, सभी रीजनिंग जो हाईकोर्ट ने दिया वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अंत में एक लफ्ज कहा कि हिंदू धर्म नहीं है वो रहन सहन है, बस खत्म हो गया, उसके बाद ये सब हो गया है। ये तो धर्म का नाम लेके कोई वोट नहीं मांगता था। तो ये इंटरप्रिटेशन की बात होती है। मैंने अभी भी जस्ट साहब के बारे में कहा कि 49K अपवाद उन्होंने देखे क्या, एक्सेप्शन देखे क्या, पब्लिक गुड में बोलना ये ऑफेंस हो ही नहीं सकता, डिफेमेशन भी नहीं हो सकता। जिसकी इंक्वायरी अभी फ्रांस में चल रही, कहां से लाए हमने राफेल, कहां से, फ्रांस से लाए ना, तो यहां तो कुछ होता नहीं। तो जस्ट जब वो राहुल जी बोले तब क्या था वातावरण, राफेल का चल रहा था सब जगह, ये मुदानी इकोनॉमिक चल रहा था, और इसके बारे में नहीं बोले तो कौन बोलेगा। और वो विरोधी पक्ष नेता है, मैंने कहा पहले भी कि इनको 36% पोल्ड वोट से वोट मिले हैं, यानी वो 15-20% भी नहीं होते इधर टोटल वोटिंग का। और राहुल जी को भी 12 करोड़ वोट मिले, इनको 23 करोड़ है तो इनको 12 करोड़ है, तो ये तो इतने ऑर्डिनरी लोग नहीं है कि जैसे कहेंगे। ये थोड़ा सा आपका आवाज सुनने में दिक्कत होती है, तो मुझे थोड़ा सवाल का कुछ मेरे उत्तर में देखो तो आप दुरुस्त करो। आपने दुरुस्त बोला है, आपने दुरुस्त बोला है, लेकिन मैं उसको सिर्फ इतना कह दूं कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसके ऊपर आज एक आम आदमी का अभी भी भरोसा हिंदुस्तान में है, उसको लगता है कि कहीं कुछ नहीं, मुझे अगर न्याय मिलेगा तो कम से कम कोर्ट में न्याय मिलेगा, ये भरोसा अभी भी है। बराबर है, यही तो बात है, हम भी कह रहे हैं कि आज भारत के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाना किसके हाथ में है, तो सिर्फ 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 सुप्रीम कोर्ट है। यदि आप आज की केस ले लो,
सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर है कि ये अभी सुमोटो ये केस स्टे कर सकती है, खारिज कर सकती है, किसी कानून की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। तो कोर्ट के पावर्स, मैंने कई बार कहा कि हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स दुनिया में किसी भी जुडिशियल जजेस को नहीं है, यहां इतने पावर्स है। लेकिन यदि डर के मारे, ट्रोल के मारे इस पावर को इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये प्रोविजन क्या काम किए। इसीलिए अंबेडकर जी ने भी कहा था कि उनको जब सवाल किया कि कौन सा आर्टिकल आपको अच्छा लगता है, उन्होंने कहा सभी आर्टिकल्स अच्छे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिए है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन वहीं से होगा। तो आज भी और तब भी सबकी धारणा कोर्ट ही हमको मदद करेंगे ऐसी है, और थोड़ा सा चमत्कार अभी दिख रहा है। लेकिन अदानी के बारे में जो कमिटी स्थापित हुई और उनका जो रेफरेंस है, क्या बोलते हैं उसको, तो जो हाँ वो तो इतना सफिशिएंट नहीं है कि कुछ वो अदानी के डिटेल में जा सके। इसीलिए जेपीसी की मांग, जेपीसी एक समुंदर है और ये जो इंक्वायरी कमिटी है एक बाल्टी भर पानी है, तो इसलिए ये हमें हमेशा कोर्ट के ऊपर निर्भर रहना भी पॉसिबल नहीं है। जहां अदर मोड है अभी जेपीसी है, तो जेपीसी के सामने ये केस जाना चाहिए। और मैं जस्ट साहब आपसे एक प्रश्न, जस्ट साहब एक छोटा सा प्रश्न है, जो मोदी जी के पुराने रिमार्क हैं, जर्सी गाय, 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या उसमें भी समय सीमा हो? मैं ये पूछ रहा हूँ मैं एक मिनट बस प्रश्न पूरा कर लू, मैं प्रश्न पूरा कर लू, ये जो पुराने उनके रिमार्क है, यदि हम भारत के लोगों ने आज तय किया अभी, तो मोदी जी के ऊपर ही हजारों केसेस हो सकती है। उनके सब जो चाटुगिरी करने रहे जो है बैठे हुए टीवी पर बैठते हैं, उनके ऊपर भी हजारों केसेस हो सकती है। कोर्ट डिसीजन भी नहीं दे सकते, इतने केसेस हो सकती है। लेकिन उस लेवल पे जाना ये प्रजातंत्र की, प्रजातंत्र पे ये जाना ठीक नहीं है। उनको लगता है कि हम अधिसत्ता, हमारे अधिसत्ता है और इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हर बार मोदी ने इतनी गलतियां करी है, इतने गलत भाषण भी किए हैं, और वो जो प्रदेश में जाके बोले वो भी है, तो भी उनके ऊपर किसी ने ये लेवल पे कोई गाया नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से रूलिंग क्लास के जो लोग हैं उतने नीच हम लोग नहीं है, एक। दूसरी बात, जब इतने ये बोलते हैं तो भी हम लोग सब चुप बैठते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इससे क्या फायदा है? प्रजातंत्र जीतना है तो हमें वोटिंग के माध्यम से जीतना है, इसमें रोने से क्या फायदा है? दूसरी सबसे बुरी बात यह है कि ये प्रजातंत्र को, संविधान को मानते ही नहीं ना। और जो मैं कई बार कहा कि समाज में दो वर्ग है, जो 5 किलो अनाज से खुश है वो किसी को, वो किसी के फंदे में पड़ते नहीं, वो बोलते हैं। ये कल संजय शर्मा ने एक मुलाकात ली एक गांव में जाके, दलित बस्ती में, तो वो खुल के बोले कि ये 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। और दूसरा वर्ग जो हमारा, हमारे जैसे वर्ग है, अभी देखो मेरे एल्गार परिषद में इन्होंने जिनको अरेस्ट किया उनका हमारा रट्टी भर भी संबंध नहीं, ना हमने उनको देखा है। यानी देश के सब इंटेलेक्चुअल्स जो इनके खिलाफ बोलते थे उन सबको अनबंद कर दिया। तो हम लोग जो है, हम भी और जो भी इस पर सोचने वाले लोग हैं, इन्होंने अभी डरना छोड़ना चाहिए। यदि राहुल को जेल में जाते हैं, राहुल जी जेल में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात जी, लेकिन ठीक है। लेकिन हमने सबक सीखना चाहिए कि जेल से क्यों डरे। हमारे सब पूर्वजों ने जो जेल में गए इसलिए तो हम ये बोल रहे हैं अभी, हमें बोलने का अधिकार उन्होंने दिया ना। तो हम भी किस माध्यम से लोगों को समझाए, आपके माध्यम से मैं सबको विनती करता हूँ, सबको मैंने पूछ भी करता हूँ हमेशा कि विरोधियों ने अभी जेल में जाने के डरने से डरना नहीं चाहिए। जेल या मरण अटल है, आपको
इस व्यवस्था के खिलाफ आखिर तक लड़ना चाहिए और इस व्यवस्था से देश को छुटकारा देना हम सबकी जिम्मेदारी है।